पृथ्वी के 70% हिस्से पर पानी मौजूद है, यानी कि हमारे समुद्र की गहराई का पता लगाना बहुत मुश्किल है। इसके नीचे क्या छिपा हो सकता है, ये कहना आसान नहीं है। लेकिन आधुनिक तकनीकों और सैटेलाइट की मदद से वैज्ञानिकों ने अब समुद्रों की गहराई नापना शुरू कर दिया है। नई खोज में पता लगाया गया है कि पृथ्वी के समुद्रों के नीचे 19,000 से ज्यादा ज्वालामुखी मौजूद है। यह एक बहुत बड़ी संख्या है जो बताती है कि सागर अपने अंदर क्या क्या छिपाए हुए हैं। वैज्ञानिकों ने रडार सैटेलाइट्स की मदद से समुद्र के नीचे मौजूद चट्टानों का पता लगाया है। इनमें सिर्फ चट्टानें ही नहीं बल्कि ज्वालामुखीय चट्टानें भी शामिल हैं। खोज के अनुसार धरती के समुद्रों में यानी कि पानी के नीचे 19,000 से ज्यादा ज्वालामुखी छिपे बैठे हैं। समुद्र में 19,000 ज्वालामुखी मिले। हाई डेफिनेशन रडार सैटेलाइट की मदद से पूरी पृथ्वी पर 19,000 से ज्यादा अंडसी वोल्केनोज का पता लगा है। ये अब तक पाए गए समुद्री पहाड़ों सी माउंट्स की सबसे बड़ी संख्या है। खोज के बारे में बताते हुए वैज्ञानिकों ने कहा है कि उन्होंने इसके लिए लेटेस्ट ग्रेविटी ग्रेडिएंट मैप या गुरुत्वाकर्षण ढाल मानचित्रों का इस्तेमाल किया है। इन मैप्स की मदद से वैज्ञानिकों को समुद्रों के नीचे 19,325 नई समुद्री चट्टानों का पता लगा है। समुद्र का तल कई तरह के टेक्टोनिक फीचर्स लिए हुए है। इसमें मीलों तक फैली चोटियां या टीले, एबिसाल हिल यानी कि अथाह गहराई वाले पहाड़, या फिर फैलती हुई पहाड़ियों समेत ज्वालामुखीय चट्टानें भी मौजूद हैं। 2011 में सोनार से लगाया था पता। इससे पहले शोधकर्ताओं ने सोनार का इस्तेमाल करके पृथ्वी के समुद्र तल के केवल 1/4 हिस्से को ही मैप किया गया। इस तकनीक से पानी के नीचे छिपी चीजों का पता लगाने के लिए साउंड वेव्स का इस्तेमाल किया जाता है। 2011 में जब सोनार का इस्तेमाल किया गया था तब 24,000 से ज्यादा सीमाउंट या समुद्री पहाड़ों का पता लगा था। सवे पर काम करने वाले डेविड सैंडवेल का कहना है कि इन ज्वालामुखियों में अगर खतरनाक विस्फोट होता है तो भूकंप सुनामी जैसी आपदाएं आ सकती हैं, जैसा कि पिछले साल टोंगा ज्वालामुखी विस्फोट की वजह से हुआ था। इन चट्टानों के बारे में कहा जाता है कि ये एक तिब ज्वालामुखी भी हो सकते हैं या बुझ चुके भी हो सकते हैं। इनकी ऊंचाई कम से कम 1000 मीटर तक बताई गई है। इनकी बनावट के बारे में कहा गया है कि यह बेसाल्ट के बने होते हैं जबकि इनका निर्माण ज्वालामुखी फटने के कारण हुआ होता है। Please like and subscribe to my channel and press the bell icon to get new video updates.